प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे भूमिगत तना वाली फसलों के बारे में, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अब भूमिगत तना वाली फसलें क्या होती है? तो ऐसी फसलें जिसकी तना भूमि के अंदर होता है, और उन फसलों का नाम हम ट्रिक के द्वारा जानेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही फनी है। ट्रिक है हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। यह एक फिल्म का भी नाम है, और यहाँ पे ये जो शब्द है ये सभी लोग कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो इसके अंतर्गत आने वाली हैं। तो यहाँ पे जो हद है, हद का अर्थ है हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक। उसके बाद से कर का मतलब है केसर, केसर यानी कि सैफ्रॉन। उसके बाद से दी, दी का मतलब है आदि। दी का मतलब है क्या चीज? तो आदि यानी कि अदरक, अदरक। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे जिंगर। उसके बाद से यहां पे आपने है तो आ अलग हो जाएगा और प अलग हो जाएगा। तो आ का मतलब है क्या चीज? तो आलू, आलू यानी कि पोटैटो, पोटैटो। और उसके बाद से प का मतलब है क्या चीज? तो प्याज, प्याज यानी कि ओनियन। तो यहाँ पे ये जो फसलें हैं वो भूमिगत तना वाली फसलें हैं। ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, और कैसा लगा ये ट्रिक आप जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।